नमस्कार। अगर हम भारत का इतिहास देखें तो जो घटोत्कच था उसमें बहुत पावर थी, बहुत ही लड़ाकू था और बहुत स्ट्रांग था। भीम में बहुत ताकत थी, अर्जुन में भी बहुत ताकत थी। आप किसी भी राजा को देख लो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, बहुत ही बहादुर थे, लड़ने में बहुत माहिर थे। गुरु गोविंद सिंह लड़ने में बहुत ही बहादुर थे और उन्होंने बड़े बड़े कुर्बानियाँ भी की। हमारे 10 गुरुओं ने बहुत कुर्बानियाँ की। उनके अंदर जज्बा था, डर नहीं था, किसी से भी डर था ही नहीं। जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है ना, किस चीज़ का भय, तो भय नाम की चीज़ ही नहीं थी। मतलब कि हिंदुस्तान के लोग इतने बहादुर थे कि मौत से भी नहीं डरते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत गुलाम हुआ? जब व्यक्ति को मौत से डर ना हो फिर गुलाम बन जाए, इसका मतलब कोई कमी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही प्रवचन दिए कि मौत कुछ भी नहीं है, सिर्फ चोला बदलने जैसा है, कपड़े बदलने जैसा है। मतलब कि उसके दिल से मौत का डर ही हटा दिया। इसका मतलब मौत का डर ही इंसान को कमज़ोर बनाता है और इंसान में शक्ति भी इतनी हो कि वाकई वो अपने जो है मिशन है उसको तेज़ी से सक्सेसफुल की तरफ ले जा सके, तो फिर किस चीज़ का डर? फिर ये भारत की गुलामी क्यों हुई? इसका मतलब हमारे अंदर कुछ व्यवहार में कमियां थी, कुछ विचारों में कमियां थी। वो विचारों की कमियां और व्यवहार की कमियां हमें मिटानी होंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत आने वाले हज़ारों लाखों सालों तक, करोड़ों सालों तक कभी फिर गुलाम नहीं बनेगा, हमेशा एक मजबूत भारत बनेगा, वर्ल्ड में सबसे मजबूत ये बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपने विचार बदलने होंगे, अपने व्यवहार को बदलना होगा, बस हम फिर इतने मजबूत होंगे कि हमें कोई भी तंग नहीं कर सकेगा, कोई हमें आँखें नहीं दिखा सकेगा, हम ही होंगे पावरफुल। जय हिंद, जय भारत।